देखिए, बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि बाबा हमें धूना तो करना है, गुरु जी हमें धूना करना है, भैया हमें धूना करना है, पर क्या हम जो धूने में सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूर्ण है? मतलब आज की जो ये वीडियो है पूरी, मैं आपको देखो बहुत ज़्यादा शीर्षक ना बांधू, एक बात बता दूँ, आज की जो वीडियो है ये वीडियो आपको बता रही है कि जो आप सामग्री से धूने में सामग्री की आहुतियाँ डालते हैं उस सामग्री के अंदर क्या क्या होना चाहिए, यानी कि जो सामग्री किस तरह से बनती है, कितना मिश्रण होना चाहिए सामग्री के अंदर, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए सामग्री के अंदर, जिससे जो सामग्री है उसकी जो कहते हैं ना कि व्यापकता है, जो फल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ बाबा गुरु को गोरखनाथ जी महाराज, तो वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई वो भाव के भूखे हैं, उन्हें कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई दिलाना चाहिए, आपको कोई तंत्र मंत्र उनको किराया बिराया देनी चाहिए, किंतु जब हम अपनी श्रद्धा से करते हैं, क्योंकि भाव से करते हैं हम लोग कुछ भी, तो उसको वो स्वीकार करते हैं, बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। और मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि भाई जब भी आप धूना करेंगे या हवन करेंगे बाबा गुरु गोरखनाथ जी के बाबा के महाराज के नाम का, तो उसमें जो आप आहुतियाँ देंगे, जो आप आहुतियाँ देंगे, जो सामग्री की आप आहुतियाँ देंगे, उस सामग्री में आपको क्या क्या मिलाना है, ठीक है? 9 चीज़ें मैं हमेशा बताता हूँ, 9 चीज़ों की सामग्री बहुत ही फलदायक होती है, बहुत ही अच्छी होती है। आप 9 चीज़ें मिलाकर सामग्री के अंदर उसको एक जो है ना नव धातु, नवरष्ट की एक आहुति के लिए बना सकते हैं, जिससे कि आप बाबा महाराज को आहुति दे सकते हैं, और उस आहुति से सभी देवी देवता, सभी इष्ट पितर, सभी गुरु महाराज, मेरे बाबा महाराज भी सब बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, समझिएगा बात को मेरी को, और इस विधि को पूर्ण करके अपनी एक अपने घर पर ही नवरस्त्र की आप आहुति के लिए भभूत वो तैयार कर सकते हैं, सामग्री तैयार कर सकते हैं, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है शेयर कर दिया, अगर शेयर नहीं किया है अभी तक तो शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और बाबा की अलख जगाते रहिए। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जो जहारवीर महाराज की, जय धाम आहार की, जय बागड़ की सरकार की, जय मेरे गुरु गोरखनाथ तेरी सदा ही जय। बोलो सिद्ध बाबा महाराज की जय। तो स्वागत है आप सभी का चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, जो गुरु महाराज जी के पास चलता है, और आप सभी के आशीर्वाद से और प्यार से, तो आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें। सज्जनों, देवियों, भक्तों, आप सभी के प्यार से, सपोर्ट से भविष्य फाउंडेशन द्वारा अभी गरीब लोगों को कंबल का वितरण किया गया रात्रि में जाकर, और उसकी कुछ झलकियां यहाँ पे आप देख सकते हैं, लगातार चल रही हैं। इन झलकियों में आप देख सकते हैं बहुत कई बार दुख भी होता है कि लोग खुले में हैं, सो रहे हैं, किस तरह से बच्चों के साथ लेटे हैं, पर क्या करें, मजबूरी है। और आगे भी आपसे अनुरोध करता हूँ इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखें, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे के थ्रू, या आप अकाउंट में भी डाल सकते हैं, अगर भविष्य फाउंडेशन के अकाउंट में डालना चाहें तो। मैं अकाउंट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, और लिंक यहां पर भी दे रहा हूं स्क्रीन पर भी, इस पर भी आप अकाउंट में भी अमाउंट डोनेशन के लिए दान दे सकते हैं भविष्य फाउंडेशन के लिए। और बात करते हैं सामग्री की, बाबा की सामग्री की, तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपको 9 तरह की चीज़ें मिलाकर एक अनव रस्त की जो आपकी सामग्री तैयार होती है वो तैयार करनी है, जिससे आपको बाबा का धूना कर सकते हैं। तो दोस्तों, बाबा का धूना, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ बाबा से को पाने का सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका है बाबा का धूना। बाबा की धुनी से घर की हर गाधा दूर हो सकती है, घर का हर संकट दूर हो सकता है, हर कष्ट दूर किया जा सकता है बाबा की धुनी के द्वारा। तो धुनी आप कैसे लगा सकते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी समझ लीजिएगा। तो बाबा की धुनी में जो आप सामग्री डालेंगे उसमें क्या क्या मिलाना है, पहला जो आपको मिलाना है, सबसे पहली बात बता दूँ आपको, इंद्र जौ। आपको मार्केट में इतने लंबे लंबे जौ आते हैं, इंद्र जौ के नाम से आते हैं वो, आपको वो लेके आने हैं इंद्र जौ, ठीक है? आप ये समझ लीजिए इंद्र जौ से आप जो सामग्री है वो पहली सामग्री है जो आपको उसमें सामग्री के अंदर मिलानी है, इंद्र जौ लेके आना है आपको, ठीक है? दूसरा आइटम जो आपको इसके अंदर डालना है सामग्री के अंदर वो है देसी घी। देसी घी ध्यान रखिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बाजार में जो उपलब्ध होता है पूजा का घी के नाम से जो आता है, भाई मैं उसको आपसे नहीं कहूँगा, मर्जी आपकी, आप कर सकते हैं, पर मैं उसको आपके लिए नहीं बोलूँगा, देसी घी ही लाइएगा। बाजार में उपलब्ध देसी घी भी ले सकते हैं, पर पूजा वाला घी, जो पूजा वाला देसी घी होता है ना, वो वाला नहीं देंगे, ठीक है? तो देसी घी लीजिएगा, आपकी दूसरी सामग्री हो जाएगी देसी घी, इंद्रजो देसी घी।
तीसरी सामग्री है आपकी बुरा, बुरा बुरा आती ना वाइट कलर की बुरा मीठी, हाँ जी बिल्कुल, थोड़ी सी आपको बुरा भी डालनी है उस सामग्री में। आप ही समझ लीजिए, आप 1 किलो सामग्री लाते हैं, अगर 1 किलो सामग्री है, सिंपल सामग्री ले रखी है आपने, उस सामग्री के अंदर आप 1 किलो सामग्री के अंदर 50 ग्राम से 100 ग्राम इंद्रजौ, बिल्कुल जी हाँ, 50 ग्राम से 100 ग्राम इंद्रजौ, ठीक है, और 100 से 200 ग्राम आप अपना देसी घी, मैं आपको बहुत ज़्यादा देसी घी नहीं बता रहा, 100 से 200 ग्राम देसी घी बता रहा हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा, बस एक लेयर बनेगी आपकी देसी घी की सामग्री के अंदर, ठीक है, क्योंकि हम अक्सर सामग्री के साथ में देसी घी की आहुतियाँ अलग से देते ही देते हैं, इसलिए देसी घी हम केवल अपने 9 अमृत 9 रस्तों की तरह मिला रहे हैं इसके अंदर, राइट। तीसरी चीज़, आप उसके अंदर 50 से 100 ग्राम बूरा डाल सकते हैं, जो तीसरा आइटम है इसके अंदर डालना है सामग्री के अंदर, तो 50 से 100 ग्राम आप बूरा डाल सकते हैं। चौथी चीज़, इसमें 50 ग्राम तिल, काले तिल, जी हाँ काले तिल आप इसमें डालेंगे, 50 ग्राम काले तिल डाल देंगे आप इसके अंदर। इसके अलावा आपको इसमें जावित्री डालनी है, जावित्री, जावित्री जैसे आपके यहाँ अवेलेबल है, मतलब जिस भी आप देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बाज़ार में अवेलेबल मिल जाएंगी, ये पूजा वाले की जो दुकानें पूजा घर होते हैं, जहाँ पूजा का सामान मिलता है वहाँ आराम आसानी से अवेलेबल है, यहाँ तक कि जो पुराने पंसारी होते हैं उनके यहाँ भी ये अवेलेबल है सामान, ठीक है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इसमें आपको जावित्री डालना है, जावित्री का क्या थोड़ा महंगा आइटम होता है, तो आप जो है उसके हिसाब से जिस तरह से 20 रुपये 40 रुपये 60 रुपये जैसे भी आप करना चाहें उतने का आप जावित्री लाकर उसके अंदर डाल सकते हैं। जावित्री, जावित्री के बाद इसमें 1 किलो में आप 5 या 6 जायफल डाल सकते हैं, जायफल आते हैं, आप 5 या 6 जायफल ले लें, उसको इसमें डाल सकते हैं। जायफल को ध्यान रखिएगा, जब जायफल आप इसमें डालेंगे तो कूट लीजिएगा पहले जायफल को ना, क्योंकि वो गोल गोल होता है मोटा मोटा तो लुढ़क जाएगा चारों तरफ, तो जायफल को क्या करेंगे आप कूट लेंगे, कूटने के बाद आप जायफल को उसमें मिलाएंगे, सामग्री के अंदर मिला लेंगे, ठीक है। सातवां आइटम जो है धूप, जो धूप बत्ती करते हैं ना हम लोग धूप, हाँ, तो धूप के छोटे 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 टुकड़े तोड़ के ना अपनी सामग्री में मिला लीजिएगा, धूप को मिला लीजिएगा सामग्री के अंदर, ठीक है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के धूप के, धूप बत्ती के आप उसको धूप को सामग्री में मिला लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक आठवां आइटम जो आप इसमें डाल सकते हैं धूप बत्ती के अलावा, वो डाल सकते हैं चंदन पाउडर, चंदन पाउडर, अच्छा चंदन पाउडर आसानी से बाजार में अवेलेबल है, सफ़ेद चंदन भी, पीला चंदन भी, लाल चंदन भी अवेलेबल है, पाउडर के रूप में सूखा पाउडर आता है, आप उस सूखे पाउडर को लेके उसमें इस तरह से बुरक के डाल के सामग्री में, और सामग्री को इस तरह से मिला सकते हैं, जैसे आप मिलाते हैं आपने देखा होगा, ठीक है, आप उसमें मिला सकते हैं। और एक नवा आइटम है चावल, जी हाँ चावल, नवा आइटम होता है चावल, उसमें आप चावल, तो ये नौ आइटम डाल के जौ, देसी घी, बोरा, तिल, जावित्री, जायफल, धूप, चंदन पाउडर और नौवा आइटम चावल, ये 9 आइटम आप डालकर उसमें मिलाएंगे और मिलाकर उस सामग्री को ऐसे उछाल के अच्छे से बढ़िया से सामग्री तैयार कर लेंगे बाबा के धोने के लिए, ठीक है भाई। अब आपकी सामग्री तैयार है बाबा के धोने के लिए, अब उस अच्छे सामग्री को करके भैया सामग्री को कहीं भी 2-3 पात्रों में डाल के भर लें, या एक पात्र है आपके पास बड़ा तो उसमें डाल के रख लें, या छोटे छोटे 2 पात्रों में डाल के रख लें और उससे आप धोना करें, सामग्री से आप धोना करें। हमेशा याद रखिएगा, धोना करते वक्त सामग्री आप इन 3, ये अंगूठा और ये 2 उंगलियां, ये बीच वाली 2 उंगली और अंगूठा, इस तरीके से आपकी सामग्री जाती है, ठीक है भैया। आप ध्यान रखिएगा, हम सामग्री ऐसे नहीं डालते हैं कभी भी, ऐसे भी नहीं डालते हैं, हम लोग ऐसे डालते हैं सामग्री, ऐसे भी नहीं डालते, नहीं ऐसे, ठीक है, और सामग्री करते हैं। आप सामग्री की जब बात करते हैं तो आप 5 आहुतियां 7 आहुतियां 11 आहुतियां, ठीक है, 21 आहुति, इस तरीके से आप धोने में आहुतियां डाल सकते हैं सामग्री की। अच्छा, धोना मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप जो है अग्नि के साथ और बिना अग्नि का 2 तरह से धुनी कर सकते हैं बाबा की, एक अग्नि के साथ धुनी और एक बिना अग्नि के धुनी, तो जो भी आपको अपने घर के हिसाब से लोकेशन के हिसाब से सूटेबल लगती हो आप वो कर सकते हैं, ठीक। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का मात्र इतना था कि मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि आप जो भी धुना कर रहे हैं उसके लिए जो सामग्री लेके आ रहे हैं आप बाज़ार से प्लेन सामग्री लाइए, और 9 आइटम ये जो मैंने आपको बताए हैं इन 9 आइटम्स को उसमें डालकर सामग्री में
तब अपनी सामग्री बनाइए, नवरष्ट्र नवरष्ट्र की सामग्री बनाइए जिसकी धुनी बहुत ही आनंददायक होती है। घर में बहुत ही उस धुनी को देने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, सभी बाधाओं से मुक्ति मिली है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी, और आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें और मेरा साथ दें गुरु महाराज की अलग जगाने में। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय जाहरवी महाराज, जय जय धाम महाराज।